शिवलाल वर्मा, पूर्व सैनिक अध्यक्ष लीग नालागढ़ एवं भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते आज हमने नालागढ़ के अंदर कारगिल चौदहवां कारगिल शहीद दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें के मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री केएल ठाकुर जी ने दी रहे, और उन्होंने आज इस बहुमंजिला मंजिल के लिए, प्रथम मंजिल के लिए हमारे को 10 लाख रुपये देने का आश्वासन किया है। इसके साथ ही जो हमारी यहाँ की बहुत बड़ी डिमांड है बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की, वो है हमारे यहाँ कैंटीन, सीएसडी कैंटीन और ईसीएसएस लाने का, जिसके लिए हम लगातार आर्मी अथॉरिटी से पत्राचार कर रहे हैं, और हमने इससे पहले भारत सरकार के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के थ्रू भी एमओडी को एक पत्र भेजा है, तो उसका अभी तक हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अब हमारी फिर प्रयास होगा कि हमारे लिए ये कैंटीन और ईसीएस की जो सुविधा है वो नालागढ़ में प्राप्त हो। इसके अलावा तो सभी शहीद जो हमारे, चाहे 62 में हो, 71 में हो और 99 में हो, और भी सैनिक शहीद हुआ हो, उनका सभी स्मारक पर उनका नाम अंकित कर दिया गया है और आज उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन सम्मानित परिवारों को भी सबको सम्मानित किया गया है, जिसमें मुख्य हमारे कारगिल के प्रदीप शहीद के पिता जगन्नाथ जी रहे, और जिन लोगों ने दान दिया है हम उनका भी बहुत बहुत आभार करते हैं, और मैं सरकार से, भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि नालागढ़ के लिए कैंटीन और ईसीएस जितनी जल्दी दे सकें वो लाएँ। इसके अलावा जो OROP की वन डिमांड है, हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने OROP 2 में थोड़ी हमें बहुत कुछ दिया है, OROP 1 में भी, OROP 2 में भी, लेकिन एक संगति उसमें थोड़ी रह गई है कि सूबेदार और सूबेदार बेहतर की जो बेसिक पेंशन है वो थोड़ी कम हुई है, तो हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि जो थोड़ी सी संगति वो दूर करें। और इसके साथ ही हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने OROP 1 और 2 हमारे को दिया और सभी सैनिकों को मान सम्मान दिया। आज मेरा कोई भी सैनिक परिवार शहीद होता है वो घर में बड़े शान शौक से आता है, और बहुत सारे जो मार्ग उसके मार्ग बनते हैं या कोई स्कूल के नाम है, उन शहीदों के नाम पर हिमाचल प्रदेश में रखे जाते हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो भी हमारा सहयोग करे इसमें कि कारगिल शहीद दिवस मनाना है। मैंने देखा है इस वर्ष कारगिल शहीद दिवस के लिए सरकार की, जो हिमाचल सरकार है, उसकी कोई होनी थी व्यवस्था नहीं थी। पूर्व सैनिक लीग ने या और सैनिकों ने जगह जगह जाके अपना ये आज का जो आयोजन, प्रोग्राम का आयोजन है वो स्वयं किया है। मैं आगे से अनुरोध करूँगा कि कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, उनको चाहिए कि हम अपने शहीदों को याद करें, और शहीदों के नाम पर आज के दिन हम ये कारगिल शहीद दिवस को एक सरकार की तरफ से मनाएँ, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि सेना का पराक्रम क्या होता है। आज सेना जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाई के लिए है, सेना आज बाढ़ आ जाती है, कोई उग्रवाद कहीं फैल जाता है, कोई कहीं घटना हो जाती है या कोई जातीय दंगे भड़क जाते हैं, वहाँ हमारी सेना हमेशा तत्पर रहती है और तैयार रहती है, उस काम को निपटाती है। तो मैं आखिर में सरकार से अनुरोध करूँगा कि नालागढ़ एक फार्मा हब है, एशिया का हब है, यहाँ पर जो कंटीन, सीएसडी कंटीन और ईसीएच है वो होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन की सारी जो डेमोग्राफी है वो इसका सेंटर प्लेस नालागढ़ बनता है, और जितने भी हमारे पैनलाइज हॉस्पिटल है वो सारे चंडीगढ़ या उससे क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर ईसीएच का खोलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सर्वे भी किया है जो कि आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू कराया गया है, हमारे पास लगभग 2500 कार्ड हैं, और हम सरकार से चाहते हैं कि यहाँ ईसीएच भी खोला जाए और कैंटीन भी उपलब्ध कराई जाए। आज 24वां कारगिल जो विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो आज ही के दिन 1999 में जो हिंदुस्तान की फौजें थी उन्होंने पाकिस्तान की फौजों को खदेड़ निकाला था कारगिल से, बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि पाकिस्तान से धोखे से सर्दियों में वहाँ धीरे धीरे घुसपैठ की थी, तो आज के दिन एक महीने से भी ज़्यादा युद्ध चला था, वो आज के दिन कारगिल को पाकिस्तान मुक्त किया था, तो उसी उपलक्ष्य में ये दिन जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में।
और इवन विदेशों में भी यहाँ भारतीय रहते हैं उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमारे सैनिकों ने, विशेषकर जो शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश को, इस देश की जो अस्तित्व उसको बनाए रखा है, आज कल भी था, आज भी और आगे भी सैनिकों के सहारे, वीर सैनिकों के सहारे हम एक आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, करते रहेंगे। शहीदों को, परिवार को मैं सल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो देश के काम आए, और उनको हम, उनके साथ हम हमेशा चट्टान की तरह खड़े हैं, सरकार खड़ी है, हम खड़े हैं, पूरी जनता शहीद जो परिवारों के साथ खड़ी है, उनकी हर तरफ से मदद, हर साल से उनको सपोर्ट जो है, चाहे वो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे सरकार करती है, तो ये और करते रहेंगे। ये हमारी आज के दिन यही संदेश है जी, बिल्कुल।